हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन, हेल्दी। तो अभी बस टाइम होने वाला है क्लासेस का, उससे पहले मैं कनिष्क के लिए बना रही हूँ पराठा। और छत का जो सामान अभी निकाला था वो तो मैं आज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टाइम सिर्फ आधा घंटा रह गया है क्लासेस स्टार्ट होने में। और जो छत वाला काम है, जितने मैंने सीट्स निकाले हैं और जो दालें मसाले वो सब कुछ है ना, वो लगेगा, मतलब इट्स टाइम टेकिंग। तो मुझे एक घंटा लग जाएगा छत पे, क्योंकि छत पे जब मैं प्लांट्स के साथ काम करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो फिर मुझे टाइम लिमिटेशन पसंद नहीं है, टाइम नहीं देखती मैं, बस मस्त हो जाती हूँ उसमें। हाँ बिट्टू, वो कुछ अपने आप से बातें कर रहा है। तो मैं बता रही थी, जब मैं प्लांट्स के साथ काम करती हूँ ना, तो सीरियसली मुझे टाइम लिमिटेशन बिल्कुल पसंद नहीं। अभी बस पहले कन्नू के लिए पराठा बन जाए, देन आई विल बी फ्री। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे एडिटिंग का काम करना है। एडिटिंग का मुझे लग रहा है हो नहीं पाएगा अभी, क्योंकि टाइम कम है। खैर जितना होगा उतना हो जाए, मतलब बच्चे ना सब्जी खाते नहीं है, तो मुझे इसलिए पराठा वाला ऑप्शन बेस्ट लगता है। कोई भी सब्जी, जो भी सब्जी बना के खिलानी हो, पराठे में भरो, खिलाती। मैं हमेशा यही करती हूँ, पराठों में सब्जी भरती हूँ, खिला देती हूँ, क्योंकि वो अलग से सब्जी नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। By the way, मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ यार, आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे, दिस इज रियली बैड, सो रूड। इंस्टा प्लीज फॉलो करो। अब मैं बना रही हूँ पराठा अपने लिए नहीं, गणेश के लिए। और सिर्फ पराठों को सूंघना लाउड है मुझे, खाना लाउड नहीं है। खाने के लिए संतरे, सेब, सूखी रोटी। दिल कटता है यार, मतलब सामने ऐसे पराठे बन रहे हो और खाने पड़े सेब संतरे। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ इतनी ठंड में, जैकेट वैकेट पहन के बिल्कुल तैयार हो के बढ़िया सी चने दाल और घिया की सब्जी बनाने, क्योंकि रात में यही खाने का प्लान था कि चने दाल और घिया की सब्जी हो जाए, और वो भी बिल्कुल कम तेल मसाले में। क्योंकि कुछ सब्जियाँ सच में ऐसी होती हैं कि उनका ओरिजिनल टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है, रादर देन हम उसमें बहुत ज़्यादा मसाले डालेंगे ना तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये सब्जी बनाने वाली हूँ। थोड़ी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और बिल्कुल एंड तक तो मैं नहीं इसको रिकॉर्ड कर पाई, बट जितनी आपको पूरी रेसिपी समझ में आ जाएगी, इजीएस्ट और जल्दी से बनने वाली। तो इसको कुकर में मैं बनाऊंगी, और बिल्कुल एक चम्मच तेल में, मैंने सिर्फ एक चम्मच सरसों का तेल लिया है, इसमें जीरा डाला है, प्याज डाल दी, हरी मिर्च डाल दी, इसको ब्राउन होने देते हैं। और जब तक ये ब्राउन हो जाएगा, इसके बाद हल्का ब्राउन हो जाए ना, उसके साथ हमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल इसलिए इसमें कर रही हूँ क्योंकि अगर हम थोड़े सॉलिड से अगर वो डालेंगे ना गार्लिक, तो घी या चने की दाल की सब्ज़ी में ना थोड़े से अच्छे नहीं लगते वो, इसलिए पेस्ट का फ्लेवर बिल्कुल सही आता है। टमाटर डाला कटा हुआ, और इसमें मैगी मसाला ज़रूर डालना थोड़ा सा, और साथ में सिर्फ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च, इन चार चीज़ के साथ, और साथ में मैगी मसाला, बस ये सिंपल मसाले जाएंगे। मसाले को थोड़ा भुनने देंगे कि थोड़ा सा तेल वो छोड़ दे, वैसे तेल हमने इतना डाला ही नहीं कि मसाला बहुत ज़्यादा तेल छोड़ेगा, बट फिर भी थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक के लिए हम उसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कुकर में इस तरह से ऊपर हल्का सा लिड लगा के रख देंगे। और एक तरफ वहाँ पर ना मैं कर रही हूँ सोया साफ, क्योंकि सोया जो है ना, ये सर्दियों में ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए, बहुत अच्छी होती है, सुपर हेल्दी होती है। तो मैं सोया इधर एक तरफ साफ़ करके रख लेती हूँ, जिससे कि मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जल्दी से उसको बना सकूँ। और साथ में सैलड वैलड काट के रेडी, आधे काम तो मतलब साथ के साथ ऐसे ही हो जाते हैं, एक तरफ खाना अगर हमने लो फ्लेम पे बन रहा है तो उसके साथ साथ बाकी के काम हो जाते हैं। तो बस इसमें मैंने जो चने की दाल डाल दी है, जो भिगो के रखती थी 2-3 घंटे, और उसके साथ मैंने घिया डाल दिया है,
और सिर्फ आधी कटोरी पानी डालना है, अच्छे से मिक्स करना, 3 से 4 सीटी आने देना और बढ़िया सी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत ही शॉर्टकट वीडियो थी और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन गुड बाय।